हम लोगों का टॉपिक था दृढ़ता और दृढ़ संकल्प। बच्चों ने कुछ ने अच्छा बोला, तुम में से कुछ को समझ में भी नहीं आया होगा और हिंदी में भी बोलने पे शायद समझ में नहीं आया होगा कि दृढ़ता और दृढ़ संकल्प है क्या। अगर मैं सच कहूं तो ये जो शब्द है ना दृढ़ता और दृढ़ संकल्प, एक दिव्य शक्ति के जैसा है। दिव्य शक्ति है ये। अगर हम थोड़ी सी बात आपको बता दें तो इसका मतलब आप बिल्कुल समझ जाएंगे। मानव जाति चांद पे पहुंच चुका है, हम चांद पे कदम रख चुके हैं और मंगल पे जाने की कल्पना कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं कि हमें मंगल पे जाना है और पता नहीं और कितने ग्रहों पे जाएंगे। निश्चित रूप से कोई तो ऐसा है विश्व में जो दृढ़ संकल्प है कि मुझे मंगल पे जाना है। अगर ये दृढ़ संकल्प नहीं होता तो हम चांद पे कदम नहीं रखते, मंगल पे जाने की बात नहीं सोच सकते थे। ये है दिव्य शक्ति। आप सफल होना चाहते हैं, सफलता कब मिलेगा? थोड़े देर के लिए आप परेशान हो सकते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, आप भ्रमित भी हो सकते हैं, लेकिन ये दिव्य शक्ति की ताकत जो मैंने बताया दृढ़ता और दृढ़, ये अगर शक्ति आपके पास है तो मैं गारंटी देता हूं इस शक्ति के सामने सब फेल हो जाएंगे। पल भर के लिए, क्षणिक भर के लिए और अस्थाई रूप से देरी हो सकता है, लेकिन आप अपने लक्ष्य पे निश्चित ही कामयाब होंगे, रोक नहीं सकता है। आप छात्र हैं, आपके अंदर इसी तरह का दृढ़ संकल्प होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। जो भी आपके लक्ष्य हैं, सबके विभिन्न विभिन्न लक्ष्य होंगे, एक तो नहीं हो सकते हैं, सबके पसंद अलग अलग हैं, लेकिन यह दृढ़ शक्ति होना बड़ा जरूरी है। ये आपका सफर तय करवाता है। अगर आप अपने लक्ष्य पे जाना चाहते तो यही दृढ़ शक्ति आपको रुकने नहीं देता है, यह हमेशा जगाते रहता है और आप अपने लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं। उम्मीद है कि इन तरह की बातों को सुन के शायद आप लोग के अंदर इच्छाएं या दृढ़ शक्ति